साउथ कश्मीर पुलवामा पिंगलन से एक खबर आ रही है, यहाँ पर मिलिटेंटों की तरफ से अभी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक किया गया है और अटैक में एक पुलिस कॉप मारा जा चुका है और दूसरा जो सीआरपीएफ का जवान है वो जख्मी हो गया है और अभी उनका इलाज जारी है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मिलिटेंटों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस पर पिंगलन पुलवामा के नज़दीक फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में यहाँ पर दो जो ट्रूपर्स हैं वो यहाँ पर ज़ख्मी हुए और उनको फौरी इलाज व मुआलजा के लिए यहाँ पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर एक पुलिस का बताया जाता है कि अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है, वो इस हमले में मारे जा चुके हैं और दूसरा जो सीआरपीएफ का जवान है वो अभी फ़िलहाल ज़ख्मी है और उसकी हालत भी नाजुक बताई जाती है। अभी इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है, जिन्होंने भी ये घटना अंजाम दी है उनकी धरपकड़ के लिए फ़िलहाल तलाशें जारी है। फिरदौस लाही, जेके न्यूज़ टुडे।